प्लान्स हमेशा वही काम में रहते हैं जो अचानक बन जाते हैं। आज जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का प्लान पिछले एक महीने से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है कटास राज, इट इज़ अ टेम्पल। मेरा वहाँ फर्स्ट टाइम है, जिनके साथ मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त उनका भी फर्स्ट टाइम है। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और हाँ, और लंबे सफ़र के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी सारी डिवाइसेस चार्ज होनी चाहिए और दूसरा ये कि थोड़ा सो लेना चाहिए। दो चीज़ों से याद आया कि टास राज जाने के दो तरीके हैं, पहला गाड़ी में बैठो, दोस्तों को पिक करो और निकल जाओ, दूसरा अपना हेलमेट उठाओ, बाइक्स पे बैठो और निकल जाओ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए इंटरेस्टिंग तरीका कौन सा है। मैं तब तक अपना हेलमेट उठाता हूँ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, और उसके घर के बाहर हमें कोई आधा घंटा वेट करना पड़ा। वहां हमने अपनी बाइक्स चेंज की और निकल पड़े। और हमारे सबसे पहले स्टॉप का मकसद था नाश्ता, और नाश्ता करने की ही देर थी कि अपने लड़के तो फॉर्म में ही आ गए। बाइक्स पे ट्रेवल करना काफी कूल लग रहा है ना, ये सिर्फ तब तक ही कूल लगता है जब तक आप रास्ता नहीं भूल जाते। और उसके बाद जब रास्ते ऐसे हों तो फिर तो क्या ही बात है। और अगर ऐसे आ जाएं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सफ़र लंबा था मगर जब दोस्त ऐसे हों तो सफ़र गुजर ही जाता। यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट इन्जॉय द ज़ालिम आर्किटेक्चर ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस। इस पूरे सफ़र के दौरान हमारी एक बाइक 3 दफ़ा और बाकी दोनों एक एक दफ़ा पंक्चर हुई, जिसकी वजह से हमें शाम 6 बजे तक वापस होना चाहिए था, हमें सियालकोट आते आते रात के 9 बज गए।